हाँ बात करते, मतलब मैं अब थोड़ा एकदम बहुत एकदम लगता है ऐसा यार कि क्या बताएं, व्यू नहीं आता यूट्यूब में। ऐसा बहुत बार सोचते थे, फिर भी सोचते थे चलो ये यार एक बार डाल देते, तो फिर मैंने छोड़ दिया डालना। कह रहे अब नहीं डालेंगे, अब कसम से डालेंगे ऐसा बोल दिया था, मतलब मैंने इसलिए नहीं डाल रहा था। तो आज मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना एक सीख मिली हुई है कि इतना तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि किसी भी यूट्यूबर का सक्सेस के पीछे उसी का बस मेहनत है भाई। कोई कुछ नहीं करता है, बस मेहनत मेहनत। ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे गेमिंग करेंगे, तो पढ़ाई में भी बहुत है मेहनत। बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। सो पढ़ाई, और अगर आप लोग को मतलब है कि गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग साइड में गेम करो, ये नहीं कि पढ़ाई एकदम मतलब छोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ गेम, जो मैं करने लगा था। लेकिन अब यार मेरे को समझ आ गया है ना कि हर, मेरे को लगता था गेमिंग में क्या मेहनत है, यूट्यूबर बस आते हैं बोल के चले जाते हैं, बहुत मेहनत है गाइस वीडियो बनाने में। वो तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि जब मैं वही फील्ड में ऐसा हो रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ जब खुद गेमिंग है सब, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा सपोर्ट, बिकॉज मैं उतना मेहनत नहीं करता, घिसा पिटा वीडियो उठाता हूँ डाल देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो लोग का बहुत मेहनत लगता है। आप लोग का क्या लगता है कि पढ़ाई में मतलब बहुत मेहनत लग रहा है उसमें गेमिंग में नहीं लगेगा, गेमिंग बहुत आसान है तो चलो भाई लोग कर लेते हैं ऐसा है, ऐसा ही लगता होगा ना। तो एक बार ना मेरे भाई करके देखो, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि जिसका सक्सेस होता है, किस्मत जिसका साथ है दे दे, क्या बताऊँ मेरे साथ तो बीतते यार, तो पता चलता है ना भाई। सो मैं बस ये आप लोग से कहना चाहता हूँ ना कि भाई देखो मेरी तरह तो मत ही बनो, इतना बोलते हैं मतलब मैं तो सुधर ही गया भाई। पहले भले ही मतलब मैं हर चीज़ मानता था गेमिंग में, सिर्फ यूट्यूब में ना सिर्फ पैसे के लिए आया था पहले, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा मैं सिर्फ पैसे के लिए आया था, लेकिन अब नहीं, अब दिल से लगता है कि भाई पढ़ाई भी करेंगे रोज़ दिमाग में थोड़ा करेंगे कि भाई अलग अलग कंटेंट है। तो भाई लोग अभी ना मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो ना अभी ना 6 का है, सब एग्ज़ाम अभी हो रहा है हम लोग का स्कूल में, अभी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। वैसे एग्ज़ाम तो नहीं, पीरियोडिक टेस्ट एग्ज़ाम की तरह समझिए आप लोग। तो बस इतना कहना था यार कि भाई पढ़ाई मत छोड़। देखो मैं इतना बता दूं कि अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हो या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हो, गेमिंग का यूट्यूबर, आप मान लो कि कोई आप गेम खेल रहे हो तो उस गेम में आप लोग को बहुत सपोर्ट मिला, धीरे धीरे भले ही ना मिले आप बड़े यूट्यूबर बन गए, 40 मिलियन 20 मिलियन ऐसा हो गया आपका सब्सक्राइबर, आप बहुत खुश। लेकिन भाई लोग एक बार सोच के देखो, बस वही गेम को बंदे सपोर्ट कर रहे हैं और कोई गेम को नहीं उतना करते सपोर्ट जितना वो वाले गेम को कर रहे हैं बंदे, तो एक बार सोचो तुम लोग मतलब बाकी सब गेम को क्यों नहीं किया जा रहा सपोर्ट उतना, सबको वही एकदम जी जान प्यारा हो गया वो वाला गेम, इसलिए बस वही सपोर्ट हो रहा है भाई, और वही का आप लोग वीडियो डाल रहे हो तो उतना हो रहा है। फ्यूचर में मान लो भाई ऐसा ना हो कि किसी का मतलब ऐसा बर्बाद हो जाए, आप मान लो कि आप पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के किए थे वो वाला, मतलब गेमिंग वेमिंग स्टार्ट किए थे सब छोड़ दिए थे, तो ना पढ़ाई ही सिर्फ ज़िंदगी में काम दे सकता और कुछ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कोई काम दे दे बस हमको इतना बता देना, फिर हम मान जाएंगे कि पढ़ाई के अलावा कोई काम दे देते नहीं। एक ना एक दिन ये फ्री फायर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहेगा, रहेगा भी तो उतना करे नहीं रहने वाला, एक दो लोग खेलेंगे तो 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन खेलेंगे, लेकिन इतना तो क्रेज नहीं रहेगा जितना अभी हो रहा क्रेज नहीं ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग मतलब गेम आते रहेंगे आते जाएंगे जाते आते रहेंगे जाते रहेंगे ऐसा होता रहता है, तो प्लीज़ अपना ना स्टडी में आप लोग फोकस करो। अब ये मुझे नहीं पता है कि मेरे वीडियो में इस वीडियो में चाहे मेरे एक व्यू आए या 2 व्यू आए, मैं बस इतना कहता हूँ सब्सक्राइब मत करो मेरे चैनल, अगर दिल है तो करो वरना मत करो, बस मैं इतना कहता हूँ। बस ये वाला वीडियो ना एकदम शेयर करो बहुत बंदों पे, और जिसको आप शेयर करोगे ना उसको भी बोलना
कि भाई ये वीडियो शेयर कर दे, बंदा कुछ बोल रहा ऐसा, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सबको बताओ शेयर करो ये वाला वीडियो, क्योंकि लोग आजकल में, मैं खुद ही का एग्जांपल, मैं खुद हूँ ऐसा, मैं खुद कर रहा था कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ लिखा नहीं है, बस गेमिंग, मेरे को ये लगता था कि भाई गेमिंग में कुछ नहीं, मेहनत है, दो चार वीडियो डालो ख़त्म हो गया भाई, नहीं बहुत मेहनत है भाई। क्या लगता है, देखो मेरे को पहला बात एडिटिंग नहीं आता, क्योंकि मैं इतना, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं यूट्यूब में सिर्फ पैसे कमाने आया था, सोचो सिर्फ पैसे के लिए मैं आया था यूट्यूब, और कुछ नहीं मेरा था। मैंने सुबह सुना था कि भाई पैसे मिलते हैं, चलो चलो यूट्यूब में हम भी थोड़ा सक्सेस लेंगे, आराम से हो जाएंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे, पार्टनर प्रोग्राम में आएंगे, इसमें आएंगे, वो आएंगे, लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्या बताऊँ भाई, मतलब इससे बस इतना ही कहना, और कुछ नहीं, और मैं बोलूँगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद से, वैसे तो सब लोग को तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन कुछ होते हैं ना महान हस्ती, वो लोग ये बोल रहे होंगे कि अबे चढ़ वे आया और भाषण दे के चला गया, मतलब ये तुम सोचो कि मैं, मतलब तुम लोग मेरे को जानते नहीं होगे भाई, इतना हम बोल दे रहे हम कैसा आदमी है, मतलब क्या है ऐसा तो पता नहीं होगा किसी को, कोई हमको जानता होगा वही ना, ये हम बस कहना चाह रहे। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी हकने से पहले पहले बोल दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना, जिसको मेरे बारे में पता नहीं हो, बोल रहा है ना कि भाई तू बड़ा ज्ञानी है, तो क्या हम सब ज्ञानी हो गए एक तो, मतलब तेरी बात क्यों माने पे ऐसे ऐसे बोल, तो छोड़ो मत मानो मत मानो, तुम लोग को पता चलेगा ना, अगर मेरे को भी तो पता चलेगा फिर बोलना ये सब आके, ठीक है तब बोलना मेरे को, तो होगा कुछ प्रॉब्लम। अभी देखो ये इसमें एक बात बताता हूँ, ये जो दुनिया ना, मतलब ही दुनिया ऐसे, मतलब ये दुनिया ऐसी है, क्या बताऊँ यार, इस दुनिया में सिर्फ पैसा है, ऐसा कह जाता है ना कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और ये हो रहा है दुनिया में, ये नहीं है कि बस कह दिया लोग, ये होता है रियली, रियल में होता है ऐसा, ऐसे नहीं कोई बोल दिया उठ पड़ा कि ऐसे बोल के चल गया हट, नहीं ऐसा हो रहा है रियल में, सो बस ये कहना था यार। तो भाई लोग चलो ठीक है, बहुत भाषण मैंने दे दिया यार, तो मैं भी अपनी स्टडी में फोकस करने वाला हूँ, तो आप लोग से भी विनती है भाई फोकस करो यार, पढ़ाई पहले गेमिंग बाद में। अभी देखो बहुत सारे यूट्यूबर जो है पढ़ाई कंप्लीट मेरे ख्याल से करके बैठे हुए हैं, तो ये सब यूट्यूब ऐसा कर रहे हैं, आप लोग बोलोगे कि जो एडिक्ट आर्टिस्ट जो भी है उसको जानते होगे, तो आप लोग बोलोगे कि अरे ओ भाई वो बच्चा तो 14 साल का, उसने तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ भाई कि हर किसी का किस्मत साथ नहीं देता, और उसका ज़रा एक बार देखना ना उसका घर कैसा है, आप लोग को बस इतना देख के समझ जाओ कि अगर वो लड़का नहीं भी पढ़ा ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी से, वो लड़का नहीं भी पढ़ेगा ना, मतलब मेरे ख्याल से वो तो ना हमको नहीं पता, उसका स्कूल का तो मैं हूँ नहीं कि मेरे को पता कैसे पढ़ता है, वो नहीं पता है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई अगर वो नहीं भी पढ़ा तो मैंने उस, मतलब वो इतना मेरे को क्या बताएं, उसका घर देख के समझो वो बंदा अमीर है कि गरीब है, उसका घर ही इतना बड़ा, सोच लो बस तुम यूट्यूब से इतना पैसा, सब बस सोचो यूट्यूब को तो गोली मारो यार, एक ना एक दिन डाउन हो जाएगा सबका, समझो बस, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलो यार, सोच के बोलो। ओके सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, साइड में आप लोग गेम प्ले भी इंजॉय कर लिए होंगे, तो भाई लोग चलो बाय बाय, और हाँ जो बोला है ना वो थोड़ा दिमाग में रखना, चलो ठीक है बाय गाइस।